हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं केले का फलाहार, जिसके लिए ये नवरात्रों के व्रत में खाया जाता है। और जिसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, दो केले को, हरे केले को हमने छील लिया है। उसके बाद एक कटोरी हमने दही ली है, टमाटर लिया है, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, और ये हमने जीरा लिया है, ये हमने थोड़ा सा घी है और नमक है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये फलाहार। हम नवरात्रम के व्रत में या किसी व्रत में अच्छे से खा सकते हैं, जो लोग नमक खाते हैं तब। नवरात्र में, नवरात्र स्पेशल के लिए हमने ये बनाया है। प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। ये देखिए, हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है और ये घी लिया हमने। अब इसमें हम डालेंगे, देखिए तेल हमारा थोड़ा गर्म हो गया है। अब इसमें हम जीरा डालेंगे, जीरे को पकने देंगे, लाल होने देंगे कुछ देर। मिर्च और टमाटर डालेंगे, गैस का फ्लेम हम थोड़ा धीमा कर देंगे और इसमें नमक डालेंगे। नमक आपको सेंधा नमक ही यूज़ करना है, आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार से। अब इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक ये हल्का सा पिघल ना जाए, एकदम से गल ना जाए, टमाटर हमारा गल जाए। चाहे तो आप ढक भी सकते हैं। ये देखिए, टमाटर हमारा गल गया है। अब इसमें हम केले को डालूंगी। चलाते रहेंगे, दो से तीन मिनट तक इसको भूनेंगे ताकि नमक और टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आने वाली नई वीडियो को आप अच्छे से देख सकें। और जो भी आपके कमेंट हो, आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरीके से क्या चीज़ खाना पसंद है। अगर आप इसमें चाहें धनिया पाउडर डाल सकते हैं। धनिया पाउडर हम मैंने डाल रही हूँ क्योंकि मेरा व्रत है, आपका व्रत है धनिया, अगर आपके साथ हो तो धनिया का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम दही डालेंगे। दही थोड़ा खट्टापन आ जाता है और केले की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहें तो रोटी से खा सकते हैं, नहीं तो आप सिंघाड़े की पूड़ी के साथ में खा सकते हैं। एक कटोरी पानी मिलाएंगे, इसे हम ढक देंगे। ये हमारा 15 मिनट अब पकेगा। ये देखिए, हमारा फलाहार बनके तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे। अगर आप हल्दी खाते हैं, वो हल्दी तो फास्ट में नहीं खाएंगे, लेकिन अगर आपको हल्दी खानी है, हल्दी के लिए अगर बनाना है केले की सब्ज़ी, तब भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। उसमें प्याज, लहसुन, टमाटर का पेस्ट सब कुछ डाल सकते हैं, और ये लेकिन फलाहार के लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।